नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला बर्रा थाने के अंतर्गत डीडीए की जमीन भूखंड संख्या MAA 5 स्थित प्रेरणा बिहार पर्रा कानपुर नगर की जमीन को देवेश त्रिपाठी जो की गोविंद नगर के रहने वाले को आवंटित किया गया था, लेकिन केडीए द्वारा पहले विवादित प्लाट बताकर 4-5 साल रजिस्ट्री नहीं की गई और प्रार्थी को वैकल्पिक भूखंड देने की याचना को अस्वीकार करते विवादित भूखंड 307/2009 को सब रजिस्टर कार्यालय में क्रम संख्या 7018 संख्या 1 जिल्द संख्या 9523 की पेज संख्या 257-278 पर रजिस्ट्री रद्द कर दी गई। जब बिल्डिंग मटेरियल भूखंड पर जमा किया तो वैसे ही केडीए के सक्षम अधिकारियों द्वारा बताया कि प्रार्थी के पक्ष में की गई रजिस्ट्री भूखंड विवादित है और पीड़ित देवेश त्रिपाठी सहित अन्य पीड़ित लोगों ने भू माफिया द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से छुटकारा पाने की गुहार लगा रहे हैं और ये भी कहा कि प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है। भाई साहब, यहाँ भू माफिया द्वारा जो है कब्जा लेने से रोक दिया जाता है और उसकी जो है मोहरम गिट्टी यहाँ पड़ी रहती है और जो है वो इससे पैसे वसूल रहा है। हमारे नाम क्लियर टाइटल डीड है। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह? जरोली फेज 2 डी ब्लॉक। डी ब्लॉक किस जोन के अंतर्गत आता है? 3 के अंतर्गत आता है। अच्छा अच्छा। और जी यहाँ के कुछ लोग हैं जो बार बार हैंडल्स करते हैं और केडीए द्वारा ये लिखा गया कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए भू माफिया के तहत। हाँ। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2.5 साल हो गया। वो भू माफिया कौन है, क्या नाम है उनके? उनका नाम है किशन शुक्ला, ज्ञानेन्द्र शुक्ला और राजेश और उनके साथी गण हैं 10-12 अन्य लोग। अच्छा, सब चीजें रिटर्न में है और हमारे नाम क्लियर टाइटल केडीए ने रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री बाद फ्री होल्ड किया और कब्जा लेटर दिया, लेकिन मौके पर कब्जा देने से कतराता रहा भू माफिया से डर के मारे। इनका यही व्यवसाय है और 2-3 बार जो 3 जगहों पर और भी इस तरह से बोर्ड लगे हुए हैं। तो आज ही जा करके हम लोग चक्कर काटते काटते 14 साल से सफर होने के बाद आज ये निर्णय लिया है, सामूहिक रूप से अपनी अपनी हद में बाउंड्रियां करा रहे हैं और पजेशन ले रहे हैं, जबकि रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की कहती है कि हमको पजेशन से कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी तो क्या ये पेशेवर भूमाफिया है? पेशेवर आपका एक जगह नहीं है, इनका यही व्यवसाय है। जैसे जो एरिया है यहाँ का वो कितना होगा और कितने लोगों के प्लाट होंगे? यहाँ 30 लोगों के प्लाट है, इस जगह जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ 30 लोगों के है और 4850 वर्ग मीटर एरिया है जी। तो क्या उनके जिनके प्लाट हैं उनके पास कब्जा हो पाया या अभी तक नहीं हुआ? उनका कोई कब्जा नहीं, हम सब बेदखल हो गए, भाग गए यहाँ से, वो गुंडा ही है केवल उनकी। सिर्फ भू माफियाओं का ही कब्जा है? केडीए वगैरह कोई रजिस्ट्री हो तो कैमरे में दिखा दीजिए वहाँ से, जो भी आप भैया आओ दिखाइए। भैया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, एक भैया वो खड़े हैं जो जिनकी वाइफ इसी सदमे में जो है वेंटिलेटर पे आ गई। अच्छा अच्छा। सब लोग सफर नहीं तो क्या केडीए के पीसी साहब से आपने अगर इस संबंध में कोई वार्ता किया? कई बार मौखिक बार लिखित रूप से, परंतु वहाँ धींगा मुश्किल यह है कि 3 इंच अगर किसी का छज्जा बाहर निकल जाए तो पूरा आसमान सर पे आ जाता है, पूरी फोर्स आ जाती है। लेकिन आजकल हम लोग आज तक हम लोगों को फिजिकल पोजीशन देने केडीए यहाँ नहीं आया और आज आया तो आधे रास्ते से भाग गया। नहीं तो ये लापरवाही तो फिर केडीए की है ना, 14 साल आप बता रहे हैं कि हो गया, 14 साल हो गया। और केडीए केवल वहाँ उसको जहाँ पैसा मिलता है वहाँ वो आते हैं और जहाँ पैसा नहीं मिलने की उम्मीद है वहाँ वो नहीं आते, आधे रास्ते से भाग गए, आधे रास्ते से। जैसे अभी हम देख रहे थे कि शायद थाना नौबस्ता के आसपास का काफी फोर्स जो हमने देखा कि 4-5 गाड़ियाँ थी जी, तो ये फोर्स आया तो मतलब एक विशेष लग रहा था कि बलवा होने की कोई आशंका या कुछ ऐसा? बलवा नहीं, ये आप समझिए भू माफिया को हर महीने यहाँ से एक्साइज आती है केडीए को और केडीए का निचला स्टाफ उनसे मिला हुआ है, हर महीने पैसा जाता है यहाँ से। ये रजिस्ट्री किस विभाग की है? केडीए के संरक्षण में भू माफिया पल रहे हैं। बहुत सही। हमारे चैनल के माध्यम से शासन तक आपको शासन से मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने बड़ा सुना जी योगी सरकार भू माफिया की कमर टूट गई, लेकिन सरकारें आई और बदल के और चली गई, स्थितियां आज भी वैसे की वैसी हैं। आप लोगों के सामने इसका जीता जागता उदाहरण, सब पिछड़े इतिहास पे खड़े हुए हैं, जीता जागता उदाहरण कि आज मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया, आप ये समझ। एक बार आप अपना नाम पुनः बताएं। हमारा नाम सुधीर सचान। सुधीर सचान जी, D10 नंबर प्लाट है हमारा भाई। मेरा D16 है सर, विप्लव त्रिपाठी एडवोकेट नाम है मेरा। हमारा D19 है, हरिओम सचान जी। जी जी। और मेरा प्लाट नंबर D15 है, मेरा नाम सुरेश। किस सन में लिया था आपने ये? हमको प्रेरणा बिहार के 2015 में। किस रेट से दिया था जब आपने लिया? प्रेरणा बिहार के बदले, प्लाट के बदले में हम बता रहे हैं आपसे कि लगभग 10 लाख रुपया हमारा जमा हुआ जी, और 10 लाख के बाद जो है 50,000 रुपए के स्टाम्प लगाए
और अन्यत्र खर्चे मिलाकर के 12-12 लाख 1900 के स्टैंप लगे हैं। 12-12 लाख रुपए से ऊपर की हमको उस समय रजिस्ट्री में फ्री होल्ड चार्ज जमा हुआ, चौकीदारी शुल्क और चौकीदारी शुल्क अलग से जमा। आज की डेट में 35 लाख रुपए का प्लॉट है आज के सर्डियम सर्किल रेट के हिसाब से और मार्केट सर्किल रेट के हिसाब से 50-50 लाख रुपए से ऊपर के प्लॉट मौके पर जी, और सेशन नहीं है और लोग आके रोक देते हैं। और पुलिस का ये कहना है कि वो पजेशन दिलाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये उसका काम नहीं है, उसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। और जिससे मैंने प्लाट लिया वो आदमी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, ये धांधा कर्जी है।